हटा दिया, हटा दिया वो कुछ लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं लोकेशन। ये से क्या यार, ये मोबाइल है ना। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में पेंथर के हमले के बाद लगातार वन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। और इस वक्त देखिए गोगुंदा के छाली ग्राम पंचायत के एक एनीगढ़ के किनारे हम मौजूद है, जहां पर वन विभाग के तमाम अधिकारी स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम वन विभाग के जो गार्ड्स है वो यहाँ मौजूद हैं। डीओ साहब, किस तरह की स्थिति है, क्या कोशिश हो रही है? अभी हमने जो कल तक की स्थिति थी, कल तो जैसे आपने देखा काफ़ी गंभीर था मामला। हमने जो है इसके बावजूद यहाँ पर अराउंड 5 जगह पिंजरे लगा दिए हैं। 3 ट्रैंकुलाइजिंग टीम अपने स्थापित कर दी है, जिसमें से एक यहाँ पर है, इसी मौके पर है। और हमने ड्रोन से भी कल रात को भी जो है थर्मल सेंसर्स के माध्यम से देखा था कि भाई कोई मूवमेंट है या नहीं है। अभी भी हम जो है वहाँ जाके ड्रोन के माध्यम से देखेंगे डिफरेंट GPS लोकेशन देखते हुए, क्योंकि थोड़ा सा एरियल डिस्टेंस ज़्यादा है इसका। जितने भी गांव हैं उनका जो इंटरफेस है जंगल के साथ या पंचायत लैंड के साथ, वहाँ पर हमने जो है हमारी एक गांव में रात में जो है टीम रखी थी, और हम आज भी रात में उन स्टेशन पर रखेंगे, जिससे कि पहले अगर कोई इंटरफेस आए तो हमारे साथ में आए, गांव वाले हमें इन्फॉर्म कर दें, हमारे को पहले ही मालूम चल जाना चाहिए, तो जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन आ जाए तो हम क्विक रेस्पॉन्स हो जाए हमारा। हम सब यहीं पर स्टेशन है। इसके अलावा हमारे पास में राजसमंद, जोधपुर से ट्रैंकलाइजिंग टीम आ चुकी है। आर्मी का जो ड्रोन हमें मिला था कल, जो आर्मी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं आज भी जो हैं, वो आज हमारी हेल्प करेंगे इसके अंदर। बाकी जो SDM साहब यहाँ पर हैं और जो सर पर की पॉसिबिलिटीज लग रही है कि क्या वाकई में पैंथर आदमखोर है, किस तरह से मान रहे हैं हम? अभी इस तरह का आदमखोर का तो जब तक उसके जो पैंथर पकड़ में आने के बारे में कैनाइंस वगैरह की टेस्टिंग वगैरह डॉक्टर साहब नहीं कर लेते तब तक कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि भाई वो भूखा और बहुत दिनों से उसको फीड नहीं मिला हो, तो जो वो इधर उधर घूम रहा है मतलब फीड के चक्कर में, तो एक इंसिडेंटल बिहेवियर होता है। जैसे कल बाई गई थी तो घास काट रही थी, तो झुकने से उसको थोड़ा सा जो है मतलब ह्यूमन बीन भी थोड़ा छोटा नज़र आता है डॉग की तरह, तो वो सोचता है एनिमल है मतलब जो है, तो शायद उस वजह से पिकअप कर लेता है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, कई तरह से कह रहे हैं कि इसे मार दिया जाए, गोली मार दी जानी चाहिए, छूट देने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है, आक्रोश होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर किसी के यहाँ पर भी जो है अगर थर्ड कैजुअलिटी हो जाए तो मतलब मेरे परिवार में हो, आपके परिवार में हो, ये भी हमारा परिवार ही है, तो आक्रोश होना तो स्वाभाविक है भाई कि भाई मिलना चाहिए। पर सबको मालूम है कि भाई वो भी एक एनिमल है, उसकी भी एक उसको मालूम नहीं है कि वो डेथ कर रहा है मतलब जो है कि उसका एक फीड की तरह खा रहा है मतलब वो अपने को जो है, तो वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव है वहाँ का। इस वजह से सरकार ने यहाँ पर 3 ट्रैंकलाइजिंग टीम भेजी है देखते हुए। गोली वोली मारने कोई आदेश है इस तरह से संबंधित कुछ फाइल चली है? अभी गोली मारने की कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी ट्रैंकलाइज करने की प्रोसेस होगी? बिल्कुल जो बिल्कुल, अभी हमें उसको पकड़ने की पूरी प्रोसेस करें। उसके गार्ड्स लगे हुए कर्मचारी यहाँ पर अभी कुछ 80-100 लोग लगे हुए हैं जो हैं, और डिफरेंट मतलब वाइल्ड लाइफ डिवीजन का भी हमारे पास स्टाफ है, वाइल्ड लाइफ उदयपुर का स्टाफ है, राजसमंद का स्टाफ है, टेरिटोल का स्टाफ है, तो स्टाफ अभी हमारे पास पर्याप्त है। किस तरह क्या माना जाए, कब तक पकड़ा जा सकता है, किस तरह की उम्मीद की जाए? उम्मीद तो हमें जल्द से जल्द पकड़ने की है, मतलब कि हम चाहते हैं आज आए कल आए पकड़ाई में, मतलब जो है हमने तो कल भी काफ़ी प्रयास किए थे उसके अंदर, तो जल्द से जल्द पकड़ेंगे मतलब। तो ये हैं उदयपुर ज़िले के DFO, जिनका ये मानना है कि जल्द से जल्द पकड़ने की वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। और देखिए आप, ये छाली गाँव का एनीकट है, चूँकि जल स्रोत है, और ऐसे में वन विभाग को इस तरह की संभावनाएँ नज़र आती है कि जब किसी जानवर को पानी पीने के लिए आना होगा तो वो एनीकट के आसपास या किसी जल स्रोत के किनारे आए, तो शायद वहाँ पर उन्हें कुछ इस बारे में इनपुट मिल सके। और इस तरह से देखिए यहाँ पर जो उदयपुर ज़िले के और राजसमंद और जोधपुर के जो वन कर्मचारी हैं, इसी तरह से तैनात हैं, उच्च अधिकारी बनाए हुए हैं, एक एक इनपुट जो है तमाम अधिकारी यहाँ से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पिंजरों के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है कि वे 2-3 दिन जब तक आदमखोर पैंथर पकड़ में ना आ जाए, तथाकथित तौर पर जिसे ग्रामीण आदमखोर मान रहे हैं उसे पकड़कर कई तरह से ट्रैंकुलाइज ना कर दें, तब तक इस मामले में ग्रामीण थोड़े जंगली इलाकों में जाने से बचें।